फ्रेंड्स, वेलकम टू मेंस रेसिपीज। और आज मैं बनाने जा रही हूँ तीन तरीके के मोदक। गणेश चतुर्थी आ रही है तो फिर मोदक तो गणेश जी को बहुत पसंद है, तो इसके लिए आज मैं बनाऊंगी बहुत ही हेल्दी वे में मोदक। दो तरीके से, खजूर वाले मोदक और एक मैं कोकोनट वाला मोदक बनाऊंगी जो कि बिल्कुल शुगर फ्री है, और साथ में एक मैं पनीर का मोदक बनाऊंगी जो कि मीठा है और साथ में टेस्टी भी है। तो चलिए इन तीनों तरीके के मोदक को कैसे बनाएं इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बनाते हैं पनीर गुलकंद मोदक। तो इसके लिए पैन में हम डालते हैं एक चम्मच घी, बहुत ज़्यादा घी नहीं ऐड करना है। तो घी मेल्ट हो गया है, यहाँ पे घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और अब इसमें हम डालते हैं छेना। तो यहाँ पे मैंने घर के बने हुए छेने का यूज़ किया है। एक लीटर दूध में लगभग 250 से 300 ग्राम छेना निकल जाता है, और जिन्हें छेना बनाना नहीं आता है घर में, मैं लिंक शेयर कर देती हूँ, आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। और छेना को हम घी के साथ मिक्स करेंगे और स्पैचुला से इस तरीके से प्रेस करते हुए हम इसे कुछ सेकंड के लिए कुक करते हैं। इस तरीके से ही हमें इसे प्रेस करते जाना है ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर थोड़ा सा घी के साथ कुक कर लिया है, और अब इसमें हम डालते हैं चीनी। तो इसमें हम डाल रहे हैं 1/4 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पीसी हुई चीनी, और इसे हम फिर से मिक्स करके लो फ्लेम पर रखकर कुक करेंगे। जैसे ही आप चीनी डालेंगे ना, वैसे ही आप देखेंगे कि ये मिक्सचर जो है थोड़ा सा लिक्विड हो गया है, क्योंकि चीनी में मॉइस्चर होता है, इस कारण से मिक्सचर पतला हो जाता है। तो हल्का सा चीनी को मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालते हैं मिल्क पाउडर। तो यहाँ पे मैंने 3/4 कप मिल्क पाउडर लिया है, और मिल्क पाउडर डालकर फिर से हम अच्छे से मिक्स करते हैं, और इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। हमें तब तक कुक करना है जब तक कि ये मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से थिक ना हो जाए, अच्छी सी बाइंडिंग ना आ जाए। तो इस मिक्सचर को हमें चलाना बंद नहीं करना है, कंटिन्यूस चलाते हुए हम इसे कुक करेंगे। लो फ्लेम पर कंटिन्यूस चलाते हुए इसे हमें कुक करना है। स्पैचुला से हम इस तरीके से करते जाएंगे ताकि ये मिक्सचर थोड़ा सा स्मूद हो जाए। वैसे अगर इस टाइम पे इस मिक्सचर स्मूद नहीं होता है तो बनने के बाद आप इसे हाथ से मैश करेंगे तो बहुत अच्छे से स्मूद हो जाएगा। तो 4 से 5 मिनट के लिए इसे हम लो फ्लेम पर रखकर कुक करेंगे। तो मिक्स करते हुए आप देख रहे हैं ये मिक्सचर कितना थिक हो गया है। मैंने इसे कंटिन्यूस चलाया है लगभग 4 से 5 मिनट के लिए, और फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखा है। ये देखिए परफेक्टली थिक हो गया है। तो इसी समय इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे जिससे कि टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पर 1 चम्मच ऊपर से घी डालते हैं, और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर डालेंगे जिससे कि टेस्ट अच्छा आएगा। और घी और इलायची पाउडर को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो हमेशा हम लास्ट में इलायची पाउडर डालेंगे। और यहाँ पर अगर आपको इसमें कलर ऐड करना है तो आप कोई भी कलर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है, पैन के साइड्स को छोड़ दिया है। तो इसे अब हम और कुक नहीं करते हैं, परफेक्ट सा बना है ये मिक्सचर। फ्लेम को बंद करते हैं और इस मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ये ठंडा होगा ना, वैसे ये बहुत थिक हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, अब हम इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो जब तक पनीर का मिक्सचर ठंडा हो रहा है, तब तक चलिए हम गुलकंद की फिलिंग भी बना लेते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है 2 टेबलस्पून गुलकंद। ये आपको पान की दुकान में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, और वैसे इसका डब्बा भी आता है, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और इसमें अब हम थोड़ा सा कोकोनट डाल रहे हैं, ये सूखे नारियल का बुरादा है, इसे हम ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए। अगर आप इसमें सूखे नारियल का बुरादा नहीं ऐड करना चाहते हैं, नारियल फ्लेवर नहीं पसंद है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो ये लगभग मैंने 2 से 3 टेबलस्पून सूखे नारियल का बुरादा ऐड किया है। साथ ही में इसको रिच टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा बादाम डालते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो ऐड कीजिए। थोड़ा सा इसमें हम पिस्ता भी डाल देते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पे जो खाना पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा इसमें रेड कलर डालते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास जो कलर है वो ऐड कर सकते हैं। और कलर डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी ये मोदक लगता है। 10 मिनट में पनीर मिक्सचर बन गया, और गुलकंद का फिलिंग बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगता है। बस सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके हमें फिलिंग बनानी है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट सी फिलिंग बन गई है, गुलकंद की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, और यहाँ पर कलर भी परफेक्ट है। ज़्यादा डार्क कलर चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, बस यहाँ पे ध्यान रहे कि जब आप हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर ले ना तो ये बंधे, अच्छे से बॉल की तरह बंधना चाहिए। अगर बॉल की तरह नहीं बंध रहा है तो मतलब कि गुलकंद कम है, बाइंडिंग नहीं आई है, तो आप थोड़ा सा गुलकंद डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखिए बॉल की तरह बंध रहा है, मतलब कि परफेक्ट है, इसमें और गुलकंद डालने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए अब इससे हम बनाते हैं मोदक। तो ये देखिए पनीर का मिक्सचर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अभी हल्का गर्म है जिससे कि मैं इजीली हैंडल कर पा रही हूँ। और ये देखिए कितने परफेक्टली बॉल्स भी बन रहे हैं इसके, तो मतलब कि ये परफेक्ट है एकदम।
ये देखिए कितना स्मूथ बॉल बन रहा है ना, तो हमें इसी तरीके से इसे बनाना है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेते हैं हाथ में। अगर ये स्टिकी है तो आप थोड़ा सा हाथ को घी से ग्रीस कर सकते हैं, ऑयल नहीं लगाना है नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो हमेशा मिठाई में घी का ही यूज़ होता है, तो अगर स्टिकी लग रहा है तो थोड़ा सा घी से हाथ ग्रीस करने के बाद इसे हम इस तरीके से स्मूथ कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो गया है। और अब हम लेते हैं मोल्ड और इसमें हम फिल करेंगे ये पनीर का मिक्सचर। तो यहाँ पर प्रेस करते हुए हमें इसे फिल करना है, और ये ध्यान रहे कि हम फिलिंग वाले बना रहे हैं मोदक, तो मिक्सचर को हम साइड करते रहेंगे इस तरीके से, हाथों से प्रेस करेंगे और यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाएंगे ताकि अंदर फिलिंग कर सकें। तो इस तरीके से देखिए प्रेस करके मैंने यहाँ पे बिल्कुल स्पेस रख दिया है जिसके अंदर हम फिलिंग करेंगे। और अब हम इसके बीच में गुलकंद की फिलिंग डालते हैं, तो इस तरीके से हम प्रेस करते हुए फिलिंग अंदर तक भरेंगे। ये देखिए बहुत ही परफेक्टली अंदर तक फिलिंग चली गई है। हाथों को साफ कर लेंगे नहीं तो गुलकंद ऊपर के पार्ट में भी लग जाएगा। और अब हम ऊपर से इसे कवर कर देते हैं। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा है इसे हम निकाल लेंगे, और ये हमारा एक मोदक रेडी हो गया है। और इसे अब हम खोलते हैं। तो यहाँ पर मोदक मोल्ड में एक पिन होता है, इसे हमें निकालना होता है। तो पिन को निकाल कर अब इसे हम बहुत ही जेंटली डीमोल्ड करेंगे। बिल्कुल परफेक्टली बन गया है, ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली बना है। और लास्ट में मैं इसे कट करके इसकी अंदर की फिलिंग भी आपको दिखाऊंगी, बहुत ही टेस्टी लगता है, कितना स्मूथ सा दिख रहा है। और फाइनल फिनिशिंग के लिए आप इसके ऊपर वर्क भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए सभी मोदक बना के रेडी कर लिए हैं। इसे और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं तो इसके ऊपर लगाते हैं थोड़ा सा वर्क। तो वर्क लगाना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ी थोड़ी दूर पे वर्क लगा दिया है, पूरा कवर नहीं करना है। और मेरे पास कुछ कटे हुए पिस्ता है, ये मैं कहीं कहीं स्टिक कर दे रही हूँ। और ये बात ध्यान रखना है जब ये हल्के सॉफ्ट रहे तभी लगाना है, नहीं तो ये रखे रखे जब पूरे ठंडे हो जाते हैं ना तो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। इसलिए जो भी हमें गार्निशिंग करनी है वो हम इसी स्टेज पे करेंगे तो अच्छे से स्टिक होगा। तो ये हमारा एक मोदक रेडी हो गया है, बाकी सभी ऐसे ही गार्निश करके रेडी कर लेंगे। चलिए ये मोदक तो बनके रेडी हो गया। और अब मैं आपको एक ज़रूरी जानकारी देती हूँ कि रोज़ हम खाना बनाते बनाते थक जाते हैं, हमें कुछ सुकून चाहिए होता है। हम इसे बहुत लोग भजन सुनकर रिलैक्स फील करते हैं, बहुत लोग मेडिटेशन करके रिलैक्स फील करते हैं। तो कुछ ऐसा हो जाए कि जहाँ पर आपको भजन, मेडिटेशन, मंत्रा, चालीसा सब कुछ एक ही ऐप में मिल जाए तो क्या बात हो। पर ये मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा आपको श्री मंदिर ऐप में, जहाँ पर आप अपने इष्ट देवता को स्थापित कर सकते हैं, उनकी पूजा भी कर सकते हैं और साथ में दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और साथ में आप सुनेंगे बहुत सारे भजन, चालीसा और महाभारत और रामायण का एपिसोड भी आप देख सकते हैं। और इस ऐप की सबसे खास बात है कि इसमें आप पंचांग भी देख सकते हैं, जिससे कि आप आने वाले तीज त्यौहार के बारे में जान पाएंगे और साथ ही में ऑस्पिशियस टाइम और हॉरोस्कोप के बारे में भी जानकारी मिलेगी। रोज मिलेंगे नए नए गुड थॉट्स के मैसेजेस जिसे आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से डाउनलोड कीजिए श्री मंदिर ऐप को, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब हम बनाते हैं कोकोनट मोदक। तो कोकोनट मोदक के लिए मैंने कौन सा कोकोनट लिया है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कोकोनट लिया है, ये जो ड्राई कोकोनट इस फॉर्म में मिलते हैं ना, जिसे हम गट भी कहते हैं, और यही वाले कोकोनट हमें यूज़ करना है। यहाँ पे ड्राई कोकोनट नहीं यूज़ करना है, और जो पानी वाला नारियल आता है वो भी मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोकोनट को ग्रेट कर लिया है, और चलिए इसे अब हम डालते हैं जार में। तो कोकोनट को जार में डालने के बाद अब इसमें हम डालते हैं काजू। तो यहाँ पे मैंने भीगे हुए काजू लिए हैं, यानी कि 3 से 4 घंटे पहले ही मैंने काजू को भिगो के रख दिया था। भीगे हुए नट्स जल्दी डाइजेस्ट होते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे भीगे हुए काजू का यूज किया है। साथ ही में किशमिश भी डाल देते हैं। तो यहाँ पर 1/4 कप लिया है, और अब इसे हम बगैर पानी बगैर दूध डाले ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी को ग्राइंड कर लिया है, और एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, नहीं तो ऑयल काफ़ी निकल आएगा। तो इसी तरीके से हमें ग्राइंड करना है जिससे कि ये बाइंडिंग अच्छी आए। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट बाइंडिंग आ रही है, इतना ही ग्राइंड करना है। और अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये कैसा टेस्ट देगा, इसमें तो मिठास है ही नहीं, चीनी भी नहीं ऐड किया है, गुड़ भी ऐड नहीं किया है। तो इसमें मैंने ऐड किया है किशमिश, जिससे कि ये काफ़ी स्वीट हो गया है। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है, जो डायबिटिक हैं या जो शुगर अवॉइड कर रहे हैं तो वो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे हम बनाते हैं मोदक। तो चलिए अब इसे हम बोल में ट्रांसफर करते हैं। तो जब तक मिक्सचर को बोल में ट्रांसफर कर रहे हैं, आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तो मोदक बनाने के लिए मैंने लिया है मोदक मोल्ड और इसमें अब हम थोड़ा थोड़ा करते हुए मिक्सचर डालेंगे, एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा सा मिक्सचर डाल के प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से शेप ले लेगा। इस तरीके से हम डालते जाएंगे और इसे प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मैंने इसे प्रेस कर दिया है और अभी भी थोड़ा स्पेस है तो ऊपर से भी हम इसे प्रेस कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा नारियल गिरा है उसे हम रीयूज कर सकते हैं और बिल्कुल अच्छे से प्रेस करने के बाद ही अच्छी डिजाइन आएगी। तो इस तरीके से ये देखिए प्रेस कर लिया है इसे अच्छे से और अब हम मोल्ड से बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए कितना परफेक्टली बना है, अच्छे से शेप होल्ड कर लिया है। तो ये देखिए हमारे नारियल का मोदक भी बनके रेडी हो गया है जो कि बिल्कुल शुगर फ्री है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपना तीसरा खजूर मोदक जो कि बहुत ही हेल्दी है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये पम्पकिन सीड, इसे हम डालते हैं पैन में। साथ ही में इसमें हम डालते हैं थोड़े से बादाम, लगभग 10 से 12 पीस बादाम लिए हैं मैंने, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और साथ ही में इसमें हम डालते हैं थोड़े से मगज बीज, तो यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आप जो खाना पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। और साथ ही में इसमें हम थोड़ा सा तेल डालते हैं, ये लगभग मैंने 5 से 10 ग्राम लिया है। और सभी को अब हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर रखकर इसे हम भुनेंगे। भुनने से एक अच्छा टेस्ट आता है, क्रंचीनेस रहती है, तो थोड़ा सा भुनना है। यहाँ पर हमें इसका कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, बिल्कुल हल्के हल्के कंटिन्यूस चलाते हुए इसे हम बहुत ही प्यार से भुनेंगे। लगभग 4 से 5 मिनट में बहुत अच्छे से भुन जाएगा। तो 4 से 5 मिनट हो गया है सभी नट्स को भुनते हुए और ये बहुत ही अच्छे से भुन गया है। तो फ्रेंड्स इससे पहले भी मैंने मोदक की रेसिपी अपलोड की थी जिसमें मैंने रसमलाई मोदक बनाया, चॉकलेट मोदक बनाया और चोकोलावा मोदक बनाया। अगर आपको वो रेसिपी देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आप देख रहे हैं बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं हुआ है। तो इसी समय हम फ्लेम को बंद करते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब तक हमारे ड्राई फ्रूट्स ठंडे हो रहे हैं तब तक चलिए हम डेट्स यानी कि खजूर के बीज को भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 300 ग्राम्स जो है डेट्स लिए हैं और इसके बीज को इस तरीके से हम खोल कर निकाल लेंगे। ये बहुत ही पतला बीज होता है तो इसे निकाल लेना ज़रूरी है, वैसे बगैर बीज के भी डेट्स मिलते हैं, खजूर मिलते हैं। और इससे पहले भी मैंने खजूर से शुगर फ्री मोदक बनाया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से सभी खजूर के बीज को निकाल के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे सभी खजूर के मैंने बीज को निकाल लिया है और अब इसे हम डालते हैं जार में। तो आधा पोर्शन खजूर को मैंने अभी जार में डाला है और अब इसमें हम डालते हैं दूध। लगभग हम 2 टेबलस्पून दूध डाल रहे हैं। आप चाहें तो यहाँ पे खजूर को पहले से ही भिगो कर रख देंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है तो ग्राइंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैंने इसे भिगो के नहीं रखा था तो इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसे ग्राइंड करते हैं। ये देखिए थोड़ा सा दूध डाल के मैंने सभी डेट्स को कोर्सली ग्राइंड कर लिया, यानी कि दरदरा ग्राइंड कर लिया है। तो इस तरीके से हमें बहुत पेस्ट नहीं बनाना है, ऐसे ही ग्राइंड करना है। और इसी समय इसमें हम डालते हैं सारे रोस्टेड नट्स, और चलिए नट्स के साथ भी हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमें पेस्ट नहीं बनाना है, सिंपली हम सिर्फ कुछ सेकंड के लिए इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए सभी को मैंने ग्राइंड कर लिया है और अगर नट्स नहीं भी ग्राइंड करके आप यूज़ करेंगे ना तो भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने हल्का दरदरा ग्राइंड किया है जिससे कि सारे नट्स दिख रहे हैं आप। तो अब इससे हम बनाएंगे मोदक। तो यहाँ पे मिक्सर थोड़ा सा स्टिकी है तो मैं हाथ को थोड़ा सा घी से ग्रीस कर रही हूँ और अब हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे अपने हाथ में, हाथों में इस तरीके से हम रोल कर लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बॉल की तरह बन रहा है ना, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ कि हाथ से कैसे शेप देना है। तो इस तरीके से करते हुए आप हाथ से भी शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप दिया है। रोल करने के बाद इसे हम मोदक मोल्ड के अंदर इस तरीके से प्रेस करेंगे, बिल्कुल जेंटली हम प्रेस करते हुए ही अंदर तक इसे फिल करेंगे तो परफेक्ट सा शेप आएगा। और यहाँ पर दूध डालने से थोड़ा सा खजूर का मिक्सचर स्टिकी हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी ये परफेक्टली बनेंगे। तो बिल्कुल अच्छे से मोल्ड के अंदर मैंने मिक्सचर को फिल कर लिया है और चलिए अब इसे हम मोल्ड से बाहर निकालते हैं। तो ये देखिए बहुत ही परफेक्टली खजूर के मोदक भी बनके रेडी हो गए हैं, कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। बाकी सभी ऐसे ही हम बना के रेडी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये रेसिपी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, अगर आपने अभी तक श्री मंदिर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और पिछले साल मैंने बहुत सारी मोदक रेसिपीज बनाई थी जिसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप क्लिक करके देख सकते हैं।